अब हम बात करेंगे बेटा 10th क्लास न्यूमेरिकल्स की। आज मैं आपको कौन के जो मिरर है आपका उसके लेंस के बारे में बात करता हूँ, तो बड़े आराम से हो जाएंगे क्योंकि इसमें आपको खाली दो ही फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। एक तो 1/f बराबर 1/v माइनस सॉरी प्लस 1/u और दूसरा मैग्निफिकेशन S2/H1 बराबर माइनस V/u। क्लियर बात? तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले करने से पहले आपको पहचान होनी चाहिए भाई वो क्या कह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मान लिया हमें कहा गया भाई कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्लेस्ड है मान लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कहां से? कौन के मिरर से। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है कौन के मिरर से, तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हम हमेशा, मैंने बताया भी था कल आपको, किससे डिनोट करते हैं बेटा, आपका यू से। तो यू इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन चूंकि ये लेफ्ट साइड में रखा होता है इसलिए हम किसका यूज करेंगे बेटा आपका, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, माइनस का। क्लियर बात? तो यू इक्वल्स टू हो गया मान लिया -10 सेंटीमीटर। उसके बाद मान लिया उसने आपको उसका फोकस प्रोवाइड करा दिया। फोकस की अगर हम बात करें तो चलो फोकस मान लिया कितना है बेटा आपका, मान लिया आपका 20 सेंटीमीटर। चूंकि कौन के मिरर का जो फोकस है वो भी निगेटिव होता है तो आप इसको भी निगेटिव यूज करेंगे। और मान लिया उसने पूछ लिया भाई जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी कि उसका नेचर। तो यानी कि वो हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई फाइंड आउट वी। तो आप जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है कि 1/f = 1/v + 1/, तो रख दीजिए वैल्यू बस, ये 20 हो जाएगा, ये आपको निकालना है, ये आपका -10 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं बात करूंगा 1/v की तो ये आ जाएगा आपका 1/10 - 1/20 आपका एलसीएम हो गया बेटा, ये 2 - 1 बचेगा यानी कि 1/20। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, v की, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि v हमारा कैसा है बेटा, पॉजिटिव। तो अगर v पॉजिटिव आया है तो v पॉजिटिव आने का मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो किधर बनेगी बेटा आपकी, राइट साइड में। और राइट साइड में इमेज अगर बनती है तो वो कैसी होती है बेटा आपकी, वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज हमारी वर्चुअल होगी, उसके बाद में वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है और कैसी होती है बेटा आपकी, एक मैग्नीफाइड इमेज होती है, मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर बात? तो इस तरीके के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, बस स्पेशली इसमें साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। चलो उसने कह दिया भाई U जो है बेटा वो आपका 10 सेंटीमीटर है, वही, ठीक है। उसके बाद में उसने कहा कि भाई जो मिरर इमेज बनाता है, ठीक है, वो अपने ऑब्जेक्ट की 3 गुना इमेज बनाता है, यानी कि 3 गुना बड़ी, 3 times। क्लियर बेटा बात? 3 times इमेज बनाता है हाइट में। तो आप कहेंगे उसको कि अगर H1 आपका H है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आपकी H है, तो H2 जो है वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, जाहिर सी बात है 3H हो जाएगा। यही तो वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट H हो तो वो उसकी कितनी इमेज बनाता है, 3 गुना इमेज बनाता है, ठीक है। और कैसी बनाता है, चलो मान लिया रियल इमेज ये प्रोड्यूस करता है आपके सामने, ठीक है, वो आपको बताएगा कैसी इमेज देगा, रियल देगा, वर्चुअल देगा, कुछ ना कुछ हिंट वो आपको जरूर देगा, आपको पता लग जाएगा। तो H1 अगर H है तो H2 कितना हो गया बेटा आपका, 3H। उसने कह दिया आपको कि फाइंड आउट F, क्या निकालिए, फोकस निकालिए इस कौन के मिरर का, ठीक है। तो आप सबसे पहले फोकस का फॉर्मूला अगर देखें तो 1/f = कितना होता है बेटा आपका, 1/v - यानी कि अगर आपको f चाहिए तो f के लिए आपको v भी चाहिए और u भी चाहिए। तो u तो आपके पास है, अगर किसी तरीके से आप v निकाल लें तो मैं समझता हूं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उसके लिए आप दूसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे जो आपने पढ़ा है कि S2/H1 बराबर किसके होता है बेटा, -V/U के। रख दीजिए ये 3H हो गया, ये H हो गया, V आपको निकालना है, U का वैल्यू कितना है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर। तो H से H कट के V का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपका 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये इमेज कैसी बना रहा है, रियल बना रहा है।
रियल बनेगी तो किधर बनेगी बेटा आपकी, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जब इमेज बनती है तो कैसी बनती है बेटा आपकी, वो निगेटिव, बस कुछ भी ना करके बस लास्ट में देख लो, बस माइनस लगेगा या नहीं लगेगा। ये वर्चुअल होती तो ये कैसा रह जाता बेटा, ये पॉजिटिव रह जाता। वी भी आ गया, इसको यहाँ पे रख दो, तो 1/f = -1/30 और माइनस यू कितना है बेटा आपका 10, तो 30 आपका एलसीएम हो गया, -1 -3 और ये -4/30, तो f का वैल्यू हो जाएगा बेटा आपका 30/4 सेंटीमीटर। इसको आप सॉर्ट आउट कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में बात समझ आई होगी, इसको आप क्वेश्चन करें बेटा आज।